आपके पास वैक्स नहीं है, जेल नहीं है, लेकिन आपको कैंडल बनानी है, आपके घर को सजाना, कोई गेस्ट आ रहे हैं, वैसे भी कोई फेस्टिवल है, तो डोंट वरी, हम बिना वैक्स और जेल के आज कैंडल्स बनाएंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहला जो एक लेने वाली हूँ, कल से पानी देने वाली, बस एक हम ले रहे हैं ग्लास। सबसे पहले जो मैं ले रही ये है हनी, दिख रहा है आपको, जो आप अपना नॉर्मल नॉर्मल हाउस होल्ड वाला हनी, राइट, ठीक। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको इसको सेंटर पे डालना है, अगर आपको डर लग रहा है तो आप इसको हटा के डायरेक्ट डाल सकते हैं। Still echoing. हनी दिखाई दे गया। इसके बाद ये है मेरा प्रिल। अब प्रिल आप अगर, क्योंकि मुझे इसमें अलग अलग लेयर्स के खाने, तो मैं ये देखो एक ग्रीन कलर का प्रिल लिया है, नॉर्मल जो हमारा एवरीडे यूज वाला, बिल्कुल एवरीडे वाला। एंड कलर की चॉइस आपकी खुद की हो सकती है, राइट? स्वप्निल अभी भी एको कर रहा है। मानसी बेटा वहां से एक ब्रश ले, ठीक है। यहां से दो कलर आपको अलग अलग दिखाई दे रहे साहब, तो आपको अब ये देखो, हाँ अब नहीं आ रही, देखो खुद भी नहीं आ रही, अब नहीं आ रही, परफेक्ट। तो सबसे नीचे हनी, वो घर में मिल जाता है आराम से, हनी के बाद है ये प्रिल। मुझे क्योंकि डिफरेंट लेयर्स देनी थी, इसलिए मैंने एक को, अगर मेरा ऑरेंज सा कलर था, दूसरा मैंने ग्रीन कलर का प्रिल लिया। आप अगर एक ही फैमिली में जाना चाहते हो तो आप येलो प्रिल भी ले सकते हो, ओके। अब इसके बाद जैसे मैं, क्योंकि आपको अलग लेयर दिखाई दे, इसके लिए मैं अलग कलर ले गई। आपके पास अगर कोई फूड कलर है, आपके पास अगर कोई ये फैब्रिक कलर, कोई भी कलर, ये मैं थोड़ा सा कलर देख रहे आपको साफ, मैंने कुछ नहीं किया, सबसे पहले लिया हनी, हनी के बाद है प्रिल, प्रिल के बाद कोई भी अगर फूड कलर है या आपके पास कोई वाटर कलर है, आप कोई भी कलर ले लो, ओके। और इसको मैं और लाइट कर लूँ ताकि आपको वो कॉम्बिनेशन दिखाई दे। ये भी आपने सिर्फ हनी पे प्रिल डाला है, बिल्कुल। और आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल दो लेयर आपको बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है, साफ दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, ओके। ये देखो, कभी भी कोई भी चीज आप रखते हो ना कैंडल, कभी भी उसको नीचे नहीं, कोशिश करो उसको आई लेवल पे रखो, तब उसकी वो ब्यूटी आपको सामने से दिखाई देती है, क्योंकि ऊपर से देखोगे तो सिर्फ टॉप का दिखाई देता है, राइट। अभी ये हो गया मेरा, अच्छा। इसमें सबसे अच्छी बात यह है, आप डरना मत, ठीक है, जो है मेरे जानने वाले वो सब जानते हैं कि मेरी क्लास में एक ही वो रहता है, डरना मत, ओके। तो अभी तक का कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको इजीली नहीं मिलेगी। मान लो आपके पास फूड कलर भी नहीं है, आपके पास वाटर कलर भी नहीं, आपके पास कुछ नहीं, आपके घर में हल्दी है, राइट राइट,
प्रिल आपके घर में बर्तन मांजने के बिना तो काम ही नहीं चलता, तो प्रिल आपके पास है, हनी आपके पास है, वाटर कलर है, वाटर कलर नहीं है तो आप हल्दी के साथ पानी बना लीजिए। ये सारा हो गया। अब आ गई हमारी एक क्वेश्चन, अगर बाय चांस जैसे आपने कलर्स के डिफरेंट ऑप्शंस बताए, अगर किसी के पास प्रिल नहीं है तो उसके अलावा कोई और चीज यूज कर सकते हैं? नहीं, फिर आप हनी के बाद ही सीधा चले गए, फिर आप प्रिल, हाँ हाँ कोई भी ब्रांड कोई चलेगी। अच्छा, ओके। मेरे समझाने का मतलब ये है कि अगर आप देखो तो एक साइंस है, राइट, प्रिल के अंदर हनी मिक्स नहीं होता, और इसके ऊपर आप ये देखो डरने की जरूरत नहीं कि आप डालोगे तो वो नीचे तक जाएगा। आप देखो मैंने पानी के ऊपर जोर से डाला था प्रिल पे, बट वो मिक्स नहीं हुआ, राइट राइट। तो अब मैंने ये कर दिया, ये मेरा यहाँ तक का लेयर समझ में आ गया। अब ये है मेरा घर में यूज होने वाला रिफाइंड ऑयल, तो ये रिफाइंड ऑयल प्यार से आप इसके ऊपर डाल दो बिना डरे। और ये सारी कैंडल लाइट मेगा अपने घर ले जाएगी, कैंडल लाइट डिनर करेगी, क्योंकि जब इतनी मेहनत कर रहे हैं हमें मन से आ रहे हैं। तो ये रहा, और हम क्या करेंगे अब एक कैंडल बना के उसको जला के फिर उसको हटाते जाएं। एंड मेगा यू प्लीज रिपीट द इंग्रेडिएंट्स बिकॉज योर वॉइस इज क्लियर ऑन इंस्टाग्राम सो पीपल विल नो व्हाट वी हैव ऑल एडेड। सो अभी तक जो अनीता मैम ने यूज किया है इन दिस ग्लास, द फर्स्ट लेयर व्हिच इज एट द बॉटम इज हनी, उसके ऊपर उन्होंने नॉर्मली अवेलेबल जो आपका डिश वॉशिंग डिटर्जेंट होता है प्रिल यूज किया है, फिर के ऊपर उन्होंने वाटर कलर हो या कोई दूसरा फूड कलर हो आप उसको मिक्स कर सकते हैं वाटर के साथ, एंड उसके से उन्होंने वो पिंक कलर क्रिएट किया है। एंड राइट अबाउट द पिंक कलर शी हैज ओनली यूज्ड रिफाइंड ऑयल। सो इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस आप उनको पार्क कर दो ऑन द साइड एंड वी विल डिस्कस इट वंस द सेशन इज एट द एंड। अच्छा, इसके बाद क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि मेरे पास घर में कुछ भी नहीं, राइट, आपके पास अगर कोई मोटा थ्रेड है, अगर मोटा थ्रेड नहीं है तो जो पुराने लोग रुई की बत्ती बनाते थे, हाँ, है ना, हाँ, पूजा में जलाने के लिए, आप वो भी ले सकते हो। ओके। और ये है मेरी OHV शीट, इसको अच्छा। कैसे करना मानसी अभी ला रही है, मैं इधर करके भी दिखा दूंगी ताकि आपको अच्छा। कोई डाउट नहीं रहे। और ये भी इजीली अवेलेबल होती है OHP शीट का नाम तो हमारा, हाँ बहुत आराम से, बिल्कुल अमेजोन। ये हम क्यों लेते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इसके ऊपर मेरा कुछ भी दिखाई दे, तो ये भी ट्रांसपेरेंट है कि ये ऊपर रखूंगी भी तो नजर नहीं आएगी। हाँ। तो ये जो मेरी मैंने ये विक्स पहले तैयार करके रखी है तो मुझे अब कुछ नहीं करना, इसको मैं प्यार से OHP शीट को मैंने ऐसे ही सर्कल बना बना के, एक कोई भी कैप ले लो आप, जैसे इसकी मेरी ये कलर की कैप होती है। ओके। इसको मैंने रखा, इसके ऊपर रखा, मानसी एक कोई भी दे देना बेटा सीजर, तो वो लेके और मैंने इसके सर्कल स्टार्ट लिए, और कोई भी चीज आपका कोई भी सुई है या कोई भी चीज है उसके साथ आप उसके बीच में होल्ड कर ले। ओके। मैं इसको निकाल के दिखा दूंगी ताकि आपको पता चल जाए। ये देखो ये मेरी OHP शीट, राइट, इसके बीच में मैंने होल्ड कर लिया, राइट, और ये जो हम विक तैयार करते हैं ये जैसे मानसी मैं एक करके दिखा, मेरे जस्ट टाइप इन द शीट नेम, शीट नेम, ये देखिए कैप कोई भी रख लो, OHP, हाँ, इसके ऊपर निशान लगाया, जितने में हम बात कर रहे हैं तो क्यों ना ये कैंडल जला के रखें ताकि हम उसकी बात भी करते रहें और उसकी खूबसूरती भी देखते रहें। तो आपने देखा आपके घर में ही होती हैं आपकी कैंडल रेडी है। सो अब ये एकदम मतलब लिक्विड जो है इसमें एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि भैया मेरा ये जो सोप है वो वेस्ट ना हो तो तुम ऊपर का पानी निकाल के, जब तक ये मेरा इसके अंदर, ये देखो जब तक इसमें रिफाइंड ऑयल है आप इसको कुछ मत करो, इसको जब तक आप खाली नहीं कर रहे इसका कुछ मिक्स नहीं हो गया, ऐसे ही रहे। ओके, वाओ। तो जब आपका रिफाइंड खत्म हो गया आप ऊपर से फिर से रिफाइंड डाल दो, उसको फिर से चला दो, कुछ नहीं होने वाला। ओके, तो ये मेरा हो गया, ये जैसे मैंने OHP शीट पे सर्कल बनाया था। उसके बाद यस शिवानी बिकॉज टुडे वी आर फोकसिंग ऑन द टेबल। या दिव्या, द शीट नेम आई जस्ट मेंशन, इट्स द OHP शीट, also known as overhead projector sheets. Overhead projector sheet. Thanks, Harsh baby.
अब इसके अंदर होल कैसे करना वो तो मैंने आपको बता दिया। एक कोई भी सुई को आप गरम कर लो गैस पे और उससे इसके बीच में छेद कर, ठीक है, और कुछ भी नहीं, जैसे आप वो होल कर देते हो जैसे मैंने ये करा है तो उसके बीच में से आपने इसको डाल दिया और ये जो विक के नीचे जो वो है ये मेरी रेडीमेड है, अलग से भी मिल जाती है और नहीं तो आपको थ्रेड रेडी करना पड़ता है खुद से, वो बताती हूँ। इसको कहते क्या है, ये हमारी कैंडल विक, कैंडल विक, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, अगर आपके पास ये नहीं है रेडीमेड तो आपको क्या करना है, कोई भी मोटा धागा ले लो। मोटा धागा लेने के बाद अगर आपके पास कोई पुरानी कैंडल है, अगर पुरानी कैंडल भी नहीं है तो बर्थडे वाली आती है जो केक के साथ, उसको आप किसी भी छोटे से कटोरी में जला लो और उस थ्रेड को उसके अंदर आप चला दो, तो वो आपका थ्रेड इस तरह से हार्ड हो जाता है, ठीक है, तब आप उसको इसमें यूज कर सकते हो। चलिए मैं इसको भी साइड पर कर लो, दूसरी ले लेती हूँ। तो आई होप कि ये वाली आपको यहाँ तक समझ आ गई हो, हम आगे चले। नाजिया व्हाट इज इट दैट यू आर नॉट गेटिंग, आप लिख सकते हैं अपना क्वेश्चन। थैंक्स करिश्मा। चलिए फिर से नई कैंडल के साथ अब हम क्या करें, अगर आपके पास उतनी सारी चीज़ें भी नहीं हैं कि आपको क्रेल चाहिए, हनी चाहिए, वो हो गई हमारी लेयर वाली जो कि इतनी खूबसूरत आपकी लेयर्स दिखाई देंगी, बहुत सुंदर, ठीक है। आप चाहो तो अगर आपका ग्लास या जार कोई बहुत बड़ा है तो आप जो आपका वाटर कलर है या क्रेल है उसके कलर चेंज कर करके हनी बीच में रख के बाकी सब चीज़ों को चेंज करके आप लेयर्स बढ़ा सकते हो, राइट। जैसे हाँ दिव्या इज आस्किंग कि व्हाट इज द यूज ऑफ द ओएचपी शीट, तो नहीं क्योंकि आप खाली थ्रेड को ऊपर कैसे रखोगे ना, या तो दिव्या अगर आपके पास जेल है या वैक्स है वो आपने ऊपर डाली है तो आप उस विक को रख सकते हो, बट विक को अगर ही मैं एक थ्रेड दिखा रही हूँ ये रहा, अगर ये थ्रेड है तो इसको मैं किसी भी चीज़ के ऊपर कैसे रखूँ, कोई सपोर्ट चाहिए ना, तो वो इसके अंदर जब मेरा फंसा हुआ है इस तरह से इसके अंदर है देन आप उसको यूज़ कर सकते हो ना, नहीं तो वो आपको यूज़ जैसे इसको एक सपोर्ट चाहिए ना मेरे थ्रेड को, ये OHP शीट का है। और क्यों, क्योंकि मुझे ऊपर अगर मेरी जेल या वैक्स होती है तो उसकी लेयर होती है उसके बीच में मेरा थ्रेड, जैसे अगर आप इसमें देख रहे हो ये मेरी वैक्स है तो जब मुझे विक डालनी है तो मैंने बीच में डाली है वो अच्छे से उसकी ग्रिप है तो आप चला रहे हो और अंदर थ्रेड है, लेकिन अगर वो है ही नहीं कुछ भी तो मेरा थ्रेड किसको बेस लेके चलेगा, क्योंकि लिक्विड कुछ तो चाहिए अगर फ्लोट कर रहा भी है exactly. और अगर कोई मैं भारी चीज लेती हूँ तो वो अंदर डूब जाएगी, तो ओएचपी शीट का प्लस पॉइंट ये है कि वो उसके ऊपर जब फ्लोट भी कर रही है तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या है, सिर्फ थ्रेड दिखाई देता है, वो उसके साथ मिक्स हो जाती है जो मेरा ऑयल है। ओके चलिए नाजिया वी आर मेकिंग कैंडल्स हियर, चलो मन से आप मान लो कि आपके पास ना हनी है ना कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं आपके पास घर में, कोई भी पर्ल की माला या कुछ भी पड़ा हुआ है या ये इस तरह से मेरे पास स्टोन्स है, कलरफुल स्टोन्स कोई भी, जैसे बहुत रोड पे मिल जाते हैं, इसमें आपका कुछ भी खराब नहीं होना, राइट। जैसे मेरे पास ये पर्ल्स भी है, ठीक है, मैं एक दिखा देती हूँ चाहे इससे या इससे, अच्छा या चलो दोनों डाल देती हूँ आप लोगों को ईजी हो जाएगा, आप देख लेना, लेकिन आपको दोनों चीज़ें डालने के, सबसे बड़ी बात ये है कि जब आपके गेस्ट आ रहे हैं या आप किसी भी ओकेजन पे चाहते हो ये डेकोरेशन, अच्छा उसके बाद आपने इसको हटा के भी रखना है तो कोई भी चीज़ खराब नहीं होने वाली। ओ एच पी शीट जल जब कैंडल जलती है तो जल तो नहीं जाती, नहीं जब तक उसके अंदर ऑयल है बस तब तक है, अगर आप ये चाहो कि जो ये मेरी ये तो जब तक यहाँ तक इतनी सॉलिड है ये नीचे तक का खत्म नहीं होगा ये जलेगी ही जलेगी, ये सिर्फ वैक्स है, बट जब अगर आपका ऑयल खत्म हो गया है और फिर उसके बाद भी आपने उसको जलता हुआ छोड़ दिया तो फिर तो प्लास्टिक ही जलेगा, है ना, ये ध्यान रखना आपको। तो नाजिया something like कि आप जो वो जो थ्रेड है वो ये डाल देते हैं, अगर आपके पास कोई मोटा थ्रेड है या जैसे कैंडल विक्स आती है उन्होंने वो यूज किया है, शी इज जस्ट यूज्ड द कैंडल विक, हां और मैंने बताया कि अगर आपके पास वो नहीं है मन से जो हमारा ये बेटा रखा था ना उसको पूजा वाली रूई की भी आगे बार होगी, तो अगर दिखाना हो दिखा देना मैंने बता दिया। चलिए तो ये था
कि आपके पास घर में कुछ भी है, कोई भी स्टोन्स हैं, कुछ भी अगर आपके पास, हाँ चांदी है सोना मत डालिएगा डायमंड, लेकिन आर्टिफिशियल कोई भी पर्ल या कुछ भी ऐसी चीज है या कुछ भी नहीं है, कोई प्यारा सा स्टैचू ही है, वो आप पानी के अंदर नीचे रख सकते हो और उसके बाद सेम जो हम कर रहे थे बाकी। नॉर्मल वाटर, बिल्कुल नॉर्मल वाटर, ठीक है। इसके अंदर हम आपको करते ही दिखाते क्योंकि समझ आ जाएगा तुम्हें, राइट अगर कहोगी तो मैं कर दूंगी। तो सेम ये देखो, ये जैसे मेरी ये है जो नॉर्मल हमारी पूजा की बत्ती होती है, हाँ, में यूज करते हैं, राइट राइट। अगर वो भी नहीं है घर में, कॉटन है, तो इस तरह से खुद बना सकते हैं। फिर उसको अगर मैं उसे कहूंगी तो बेटा मुझे फाइन देना होगा, ये देखो मैं इसका एक बार करके भी दिखा देती हूँ। अगर आपको गैस के साथ करना है बहुत अच्छी बात है, नहीं करना तो आप इस सर्कल को इस तरह से पहले हाफ सर्कल देन फिर से एक बार फोल्ड कर लो, उसको पैक करने के लिए ना शेप में बस ये वो हो गया, तो ये हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मेरे को चाहिए तो कोई भी नॉर्मल अगर बिल की बत्ती आप जला रहे हो तो आप क्या करते हो उसको, यही करते हो ना, थोड़ा सा तेल में या घी में उसको सिर्फ, लेकिन ये इसका वेट बहुत ज्यादा हो सकता है ये अंदर चली जाए, तो आपको बहुत चीज ध्यान रखनी है बस। फिर से वही, तो जब आपने इसको जला लिया, आपके गैस चले गए और अब आप चाहते हो कि इसको सारे स्टोन्स को वापस निकालना, तेल तो नहीं लग गया, आपको कुछ नहीं करना, इसको निकाल के एक सिंपल शैम्पू के अंदर साफ करोगे और okay. फिर से साफ हो जाएगा, कलर वगैरह कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ नहीं देगा। okay. ये मेरा मैंने कहा था ना लंबा है, ये तो आपके पास कुछ भी नहीं है, ये रहा रुई की बत्ती बनाइए और इस तरह से फिर से आपकी कैंडल तैयार है। अभी तक जो मटेरियल्स के नाम लिए थे आई होप आपको एसी की हवा है ना इसलिए वो चल नहीं रही, और तेल ऊपर लगाया था ना फिर वो काट दिया, थोड़ा सा तेल लगा दिया इधर। नाजिया वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू सेव द वीडियो, द ओनली इशू इज कि Instagram में कुछ चेंजेस हुए हैं और काफी बार लाइव वीडियो सेव नहीं करने देते, सो वी ट्राई आवर बेस्ट टू सेव इट, यू नो एंड होपफुली इट विल सेव। चलिए अब ये एक छोटा सा ग्लास, ये एक्चुअली ये मैं खुद बनाती हूँ, अच्छा कैंडल के एडवांस कोर्स होते हैं, ओके तो ये उसमें हम खुद बनाना सिखाते हैं, अदरवाइज कोई भी अगर अच्छी शॉप है जहाँ से आपको कैंडल का मटेरियल मिलता है तो आपको मिल जाएगा। इनको क्या कहते हैं, ये वैक्स के चंक्स ही है रेडी में, अच्छा ये वैक्स ही है, ये वैक्स है, टोटल वैक्स है, तो ये खुद रेडी है, और ये कलर आपने अपने आप वैक्स कलर आते हैं, ओके ओके। अब मानो फिर से वही बात कि आपके पास नहीं है कुछ भी, राइट तो ये मैंने क्या किया, अगर आप लोग देख पा रहे हो दिखा, सो गाइस आई होप यू कैन सी क्लियरली, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है, जब हमारी कोई भी, जैसे मान लो ये बाजार की आई हुई, ये मेरी तो खैर घर की है, बट मान लो कोई भी आपकी बाजार की कैंडल है तो उसको आप जो हमारा कद्दूकस होता है, क्या बोलते हैं उसको, जिसमें रायता बनाते हैं, ग्रेट राइट, उससे ग्रेट कर लिया तो ये इस तरह से पूरा, जैसे हम खीरा करते हैं या कोई भी चीज करते हैं तो निकल आता है ना, तो ये वो आ गया। ओके तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह से अपनी पुरानी कोई भी कैंडल लो जिससे आपका मन भर गया है, तब आपने उसको ग्रेट किया, अलग अलग कलर डाल के जो कैंडल के कलर आते हैं उसको डाल के और आपने उसको मिक्स कर दिया, तो इस तरह से अलग अलग कलर आपके रेडी हो जाए। ओके तब जब रेडी हो गए तब आपको क्या करना है, मैं वो दिखा रही हूँ। तब जैसे एक क्वेश्चन, जब आपने जैसे इसको कलर किया तो आप सारे ये जो है वैक्स के पीसेस एक साथ ही कलर में भिगो देते हो? बिल्कुल, वो तरीका होता है करने का। अच्छा ओके, क्योंकि जब हम रेडी कर रहे होते हैं ना हम तभी करते हैं। ओके ठीक है, तो ये आप खुद घर में तैयार कर सकते हो, और अगर आपके पास वैक्स नहीं है, पुरानी कैंडल नहीं है,
तब एक और आसान तरीका बताती हूँ, इसके ऊपर बोलो कौन सा डाल दूँ। तो आप लोग क्या कर सकते हो, जो आपके बच्चों के पास क्रेयॉन्स होते हैं है ना, राइट, तो क्रेयॉन्स को कद्दूकस कर लो, और जैसे ये मेरे पास बहुत छोटे छोटे से हैं, वाह, इसके अंदर उनको फिल कर दो और अपना थ्रेड लगा दो। ओके, तो वो चल गए। तो ये वाले जो आपके पास स्टैंड्स हैं, जैसे ये छोटा ग्लास है, ये स्पेशली आपने कैंडी के पर्पस के लिए, बिल्कुल बहुत ध्यान रखना। ओके okay. क्योंकि क्या होता है, मेरा ऑब्वियसली मेरा कोर्स थोड़ा महंगा होता है कैंडल का, वो इसलिए क्योंकि अगर आप लोग आज कुछ हल्की क्वालिटी के ग्लास लाते हो वो 5-10 रुपए का आ जाता है, ठीक है, लेकिन वो कब फट जाएगा आपको कोई गारंटी नहीं, राइट राइट, तो वो सब रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए। अच्छी क्वालिटी के ग्लासेस लो, अगर कोई अच्छी शॉप है और आप उसको बता के करोगे ना कि मेरे को ये कैंडल के पर्पस से, तो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी देगी। ओके, आप फिर से मेरा ये एक, मैंने ये बीच में रख दिया, ठीक है, ये रखने के बाद आप एक कोई भी कलर, कौन सा मंसी भाई, रिदिमा शी इज जस्ट डूइंग दैट स्टेप, शी जस्ट शोस यू कि आप कैसे उस पे ब्रेक ऐड करेंगे। तो बस आपने ये वही ओएचपी शीट में जो विक अटैच थी वही आपने उसमें रख दी, इसमें ओएचपी शीट नहीं भी लगाओगे तो चलोगे, तो सिर्फ तुम थ्रेड लेके चारों तरफ से तुम्हें प्रेस करना है कि ये मेरी चीज अच्छे से बने। ओके ओके, और फिर उसके बाद कुछ नहीं, तुम्हारी कैंडल तैयार। तो आप तुमने पुरानी कैंडल जो थी उनको भी यूज कर लो। अच्छा एक क्वेश्चन, जैसे आपने बाकी के तो ऑयल वाला को यूज किया था उसमें तो मतलब ऑयल जलने का कुछ नहीं है, लेकिन इसमें जैसे आपने वैक्स के छोटे पीसेस डाले हैं, जब वो विक डिक्रीज होती जाएगी तो वैक्स ये वाली भी मेल्ट होती जाएगी, राइट, तो अगर तुम चाहते हो ये तुम्हारी ऐसी की ऐसी रहे, तो जब यहाँ तक का खत्म हो जाए तो बंद कर, फिर या नीचे की तो वो इतनी जल्दी नहीं जलेंगे ना, ऊपर से जैसे ही होता है ऊपर की लेयर नहीं डाली, विक लगाई तो कैंडल फिर से तैयार, ठीक है ठीक है, एंड सिंस छोटा थ्रेड है तो वो जल्दी खत्म भी हो जाएगा, ठीक है, राइट। सो गाइस यू कैन सी हाउ ब्यूटीफुल इज दिस little candle, and I think it's perfect to decorate your house, you know, during Diwali and all the other festivals. And what very easy to make. ये कलर्स क्या है बाउल में एक बार फिर से बता दीजिए। ये सिर्फ हमारी वैक्स ही है, ये सिर्फ वैक्स है जिनको इस तरह से कैसे रेडी किया जाता है वो हम अपने क्लास में करते हैं, लेकिन अगर आपको इतना सब कुछ डिटेल में नहीं जाना है तो ये मैंने दिखाया, जो आपकी पुरानी वैक्स होती है कैंडल होती है उसको आप कद्दूकस कर लो, ब्रेक कर लो, और करने के बाद कैंडल के जो कलर्स आते हैं, ठीक है, या आप पहले से कर लो कैंडल को कलर करने के लिए। देखो मैं अगर इतना एडवांस कोर्स करती हूँ तो मेरे पास सारे कलर्स हैं, अगर आपके पास नहीं है और इस तरह का आपके पास वाइट कैंडल पुरानी है, ठीक है, या पर्पसली पुरानी खरीद लो, राइट, उसके वाइट खरीद लो, खरीदने के बाद जो हमारे क्रेयॉन्स बच्चों के कलर्स होते हैं अलग अलग छोटी छोटी कटोरी के अंदर वाइट कैंडल को डाल दो, और क्रेयॉन्स का जो जो कलर तुम्हें पसंद है वो ले लो। अच्छा, तो वो उसी कलर की वैक्स रेडी हो जाएगी। ओके, और जब वो रेडी हो गई उसको आप ऐसे ग्रेट कर दो, ग्रेट कर दो, तब आप उसको स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने अभी डाला लेयर बाय लेयर वैसे डाल दो। ओके ओके, बेट, चलिए तो ये भी हो गया हमारा। थैंक यू परिश्मा, इसको ये रख दो, चलिए थैंक्स रेखा। अब आ गया एक और, फिर से एक ग्लास, ठीक है, आपको एयरपोर्ट से दिखाई दे रहा है, ये है हमारे जब रंगोली सजाते हो दिवाली पे, तब वो सब हमारे ऊपर चले आ गए। थैंक यू सो मच, पहले मैं सजाती थी और मानसी सजाती है। आप लोग सोच रहे होंगे मानसी वर्ड बहुत बार आ रहा है इस क्लास में, लेकिन मानसी को उन्हें दिखाई नहीं दे रहा, तो मानसी वो है जिसकी वजह से ये सारी तैयारी और सारी क्लास हम कर पाते हैं। थैंक यू थैंक यू। सारी कब क्या प्रिपरेशन है, कब क्या टाइमिंग है, कब कौन सी क्लास है, वो सारा सारा मतलब मानसी हमारी क्या बोलते हैं, टीम वर्क, टीम वर्क, हम सब टीम है। तो चलिए ये है हमारे पूरे रंगोली के कलर्स, जैसे कि आज की क्लास जो है वो है कि अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप अपने घर की चीजों के साथ कैसे करें, राइट राइट। तो ये रंगोली के कलर सबसे सस्ते मिलते हैं आपको दिवाली के दिनों में,
तो आप तब लेके रख सकते हो क्योंकि इससे बहुत खूबसूरत कैंडल बनती है। मानसी बट एक तेरा कांटा था ना, हाँ ठीक ठीक है, देखा ये मानसी को पता था मैं भूलूंगी। चलिए तो अब सबसे पहले कलर ढूंढती जाओ मेरे आपको पसंद पिंक, डार्क पिंक ये वाला। थैंक यू एवरीवन फॉर लाइकिंग द वीडियो। I hope people on Instagram are also enjoying it. एक बात सबसे शुरू में बताने वाली थी और आज मैं अभी बता देती हूँ क्योंकि मानसी ने बताना था। हमारे बहुत सारे लोग थे जो हम चाहते थे कि नेहा को भी जाने, तो जितने लोगों ने हमारा कल का पोस्ट शेयर किया था या आज अभी भी शेयर कर रहे होंगे तो वो आज आता है शेयर किया हुआ, उसमें से मानसी जो आज सारा ये लाइव वीडियो हमारा शेयर हो रहा है उसमें से एक लकी विनर चूज करेंगे यहीं पे अभी आपके सामने। दूसरा एक और जो कल का हमारा पोस्ट जिन्होंने शेयर किया था उनके नाम भी मानसी के पास है, उसमें से एक लकी विनर होगा जिसको एंड सब कुछ लाइव होगा, सब कुछ यही होगा, मेघा ही करेगी right. और एक होगा जो मानसी अभी कोई भी दो क्वेश्चन एक अभी हमारी जो आज का लाइव सेशन है उससे रिलेटेड पूछेगी, तो दो वो लकी विनर होंगे जो उसके सवाल सही देंगे, एक मेगा में से निकालेंगे और एक यहाँ से निकालेंगे right. तो जिनका भी है वो सारे लकी विनर को हमारा एक गिव अवे हैंपर पर जाएगा राइट right. तो चलिए तो ये मेघा ने अब वो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, तो अभी तक के आई होप कि आपने अच्छे से देखा भी है और राइट चलिए तो इससे आगे बोलो, इसके आगे ग्रीन ये वाला रंगोली के कलर्स राइट नाउ, जो ये सारे ये पाउडर बेस्ड कलर्स हैं सारे रंगोली के रंगोली जो आप रंगोली सजाते हो। हाँ आप लोगों को साफ दिखाई दे रहे ओके आप सिर्फ रंगोली के कलर है, मैंने कुछ और नहीं लिया ठीक है। चलिए यहाँ तक के कलर्स आ गए मेरे, यहाँ तक सबको सब क्लियर हो गया, कोई भी डाउट। हाय सुगंधा, वी मिस यू टू। चलिए यहाँ तक का सबको हो गया, ये अपने आप में वैसे बहुत खूबसूरत है। अब इसके ऊपर भी आप चाहो तो वही अपना थोड़ा सा पानी डाल दो, थोड़ा सा रिफाइंड डाल दो और आप अपनी कैंडल रेडी हो। तो एक तो हो गया वो, ठीक। अब आप लोग थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखना, मैं इस तरफ से करती हूँ ताकि आप सबको साफ नजर आए। ये मैंने एक टूथपिक लिया खाली, आप इसको बिल्कुल इस वॉल के साथ चलोगे, धीरे से देखो फिर दोबारा सिर्फ टूथपिक के यूज से द काइंड ऑफ डिजाइन शी हैज क्रिएटेड, वेरी इनोवेटिव।
थैंक्स। तो अब जब ये हो गया, अब आपकी मर्जी है, अगर आप इसको ये चाहते हो कि मेरा हमेशा के लिए वो पानी वाला ना हो जाए, इसको मैं कभी भी यूज कर लूँ, तो तुमको क्या करना है, एक्सटेंडर आगे से हटा दो, क्योंकि कैंडल का काम, एक चीज गाइस हमेशा याद रखना, हम लोग वैसे भी कभी करते हैं ना, कई बार नॉर्मल किचन में दूध सिंक पे रख देते हैं और बाहर आ जाते हैं, ये एक रिक्वेस्ट है, मैं सच कह रही हूँ, हम कुछ भी गलती होती है ना, हम ये सोचते हैं ये चीज़ हमारे साथ नहीं हो सकती, ऐसा कुछ मत सोचना। अगर आपने सिंक पे भी कि वो मेरी थोड़ी मेल्ट हो जाए और वैक्स को या जेल को रखा है, किचन को छोड़ के कभी बाहर रखा, एक सेकेंड लगता है, जब वो अपने टेम्परेचर से ज़्यादा हो जाता है तो वो कभी भी आग पकड़ लेता है, ठीक है, तो उसको सोच के कि मैं 5 मिनट में आऊँगी, अभी तो मेल्ट हो रहा है, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ गया है तो वो कभी भी आग पकड़ लेगा, तो किचन को छोड़ के बाहर नहीं आना, भगवान ना करे कभी ऐसा हो भी जाए, उस टाइम पैनिक नहीं होना, पानी वानी कुछ मत उठाना, एक स्टील की बड़ी प्लेट जब भी काम कर रहे हो उसको हमेशा अपने पास रखो, तो जैसे ही अगर भगवान ना करे उस वैसे आपने आप पकड़ ली है, तो आपको कुछ नहीं करा, बहुत ही काम नहीं, आपने उस प्लेट को पकड़ना और उस बर्तन के ऊपर, जैसे मान लो ये मेरी कढ़ाई थी या ये मेरा बर्तन था जिसने आग पकड़ लिया, आपको धीरे से एक अपनी बड़ी प्लेट लेके जानी है, जैसे ये मेरी प्लेट हो, उसको धीरे से इसके ऊपर रख के और बस पकड़ लेना, तो वो वहीं के वहीं बंद हो जाएगा, ठीक है। तो हाँ, ये कोई भी काम करने से पहले वो जरूरी है कि क्या आपको ध्यान रखना है, तो अब अगर आप चाहते हो इसमें पानी और वो मेरा रिफाइंड नहीं डालना, तो आप जैसे मैंने अब ये बनाया था, जो मैंने बताया कद्दूकस किया, उसके अंदर आप ये रखो और इसके ऊपर से अपना थोड़ा सा ये डाल दो, तो जब तक ये आपका चूरा है तब तक आपकी वो जलेगी जलेगी, जब वो ख़त्म हो जाएगी कुछ नहीं, ऊपर से फिर से डाल दो चूरा, तो आपकी एक बार की मेहनत जो है वो आपको बार बार नहीं आएगी। विभा बोल रही है कि मैम इज ऑल राउंड, थैंक यू विभा, थैंक यू विभा जी, ये हमारे विभा जी हैं। मैंने कभी भी जला सकते, हटा दिया, ठीक है, परफेक्ट था, हां हैप्पी बर्थडे। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, जो मैं हमेशा समझाती हूँ आप लोगों को, जरूरी नहीं है कि हमारे पास सब कुछ हो हम तभी कुछ कर सकते हैं, तो आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी घर में इतनी चीजें होती है, जैसे मैंने बताया वाटर कलर भी नहीं है, ठीक है, मैं वाटर कलर इतनी आराम से बोल रही हूँ क्योंकि मैं पेंटिंग्स करती हूँ तो मेरे पास मिल जाएगा, बट अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई ज़रूरत नहीं कुछ खरीदने की करने की, आप नॉर्मल हल्दी के साथ भी काम कर सकते हो, तो तब आप अपना ये लेयर वाली भी बना सकते हो, आपने अगर वो ऊपर का अपना वाटर कलर और अपना ये जो था रिफाइंड ऑयल हटाओगे तो प्रिल आपका वापस आ जाएगा, हाँ हनी खाने के काम नहीं रहेगा ऑब्वियसली, तो बाकी चीज़ें आप प्ले कर लीजिए इसमें, अच्छा चारों कैंडल्स जो आज हमने सीखी कि आपके पास अगर वैक्स और जेल भी नहीं है तो आप कैसे अपने कैंडल्स घर के सामान के साथ बनाएंगे। कोई पूछ रहा है कि फ्लोटिंग कैंडल्स कैसे बनाएंगे, सो मैंने अभी आपको बताया था ना, जैसे ये दिखाना मन से, ठीक है, इसको तुम फूक मार के फिर निकाल के दिखा सकते हो, जैसे मैंने बताया था विभा जी तो वैसे ही पहचान जाएंगी, जो मोल्ड मेकिंग हमने कोर्स किया था उसके अंदर हमने ये मोल्ड बनाया था और उसके अंदर से ये इतनी खूबसूरत कैंडल निकल आती है, ठीक है, ये इसी मोल्ड किया है, ये इसी मोल्ड किया, तो इसी से ही, और एक बार बना लो तो आपके पास एक रहता है मास्टर जो उसका होता है बेस, उससे आप फिर 100 बार भी बना सकते हो। चलिए, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें और बाकी जब आपको आ जाता है तो आप बहुत सारी इस तरह की बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें अपनी पसंद से बनाते हैं, राइट, और सबसे बड़ा जो मैंने जैसे बताया, अगर आप इधर से देख रहे हैं या आप इधर से दिखा रहे हो
कि वैक्स सबसे बड़ी बात होती है, आप जब बाजार से लेते हैं हम तो वो बहुत ही सस्ती से आती है, उसका इसका फिनिशिंग थोड़ा सा आपको पता चलता है, वो रेडी वैक्स जब होता है वो वैसा होता है। अच्छा, एक दो क्वेश्चन, हाँ अगर क्वेश्चन है तो आप पूछिए, उसके बाद फिर मानसी आपको। दिव्या ने बोला है प्लीज क्लैरिफाई अगेन, जी वी हैव टू यूज ऑयल टू लिड। यस ऑयल लिड सॉरी मींस टू से बाती बत्ती, बत्ती। हाँ अगर आप लोग पूजा में भी कभी बत्ती रखते हो तो आप उसको कॉटन को लेके उस पे माचिस नहीं लगाते ना, या तो आप देसी घी लगाते हो या जो लोग सरसों के तेल की लगाते हैं तो वो तो ऊपर तक आपको उसको करना है ना, नहीं तो कॉटन तो एक सेकंड में ही आप पकड़ के जल के खत्म हो जाएगा, ऐश बन जाएगा, है ना। और कोई किसी का क्वेश्चन, या इज दैट हियर एनी मोर क्वेश्चंस गाइस? सो आर यू गाइस रेडी फॉर द सरप्राइज? मैं घर आते हूं, तुम आ जाओ वो लेके। थैंक यू शुभ्रा, हैंडल yes and that was the intention that you should be able to do something easy at home। तो मुझे क्या करना पड़ेगा अभी? आप सब ready हैं? so मेरी आवाज आ रही होगी अगर तो, हमारा जो फर्स्ट कॉन्टेस्ट था है फ्रेंड्स, सो यहाँ पे एक्चुअली दो तीन कैमरेज हैं तो सबको हैंडल कर रहे हैं आज हम, मतलब वो है जो सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, लव यू। राइट, सो इट्स द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग लाइक दिस एंड वी आर डूइंग इट ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, सो थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था बट नाउ वी आर वर्किंग वेरी वेल। सो और आप लोगों का भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है यहाँ पर हमारे को। तो हमारा फर्स्ट कंटेस्ट था कि कल जब हमने ये पोस्ट उस पर अपडेट किया था हमारे फेसबुक पेज पे, तो उनमें से जितने भी लोगों ने उसको शेयर किया था तो हमने उसमें से एक लकी शेयरर अनाउंस करना था। सो अगर मैं स्क्रीन आप सामने कर देते हैं, राइट, सो दिस इज़ द पोस्ट जो दैट वी शेयर्ड यस्टरडे, राइट, सो दिस इज़ द पोस्ट, राइट, दिस इज़ द पोस्ट शेयर्ड बाय अस यस्टरडे ऑन अवर पेज एंड नाउ here is the list of sharers. okay, when we click that, so a front mein rakh dijiyega taki it will be a bias. abhi main isko screen ko bhi samne kar deti hu. right, so this giveaways and is for everybody who was watching either on our Facebook page or on the Instagram of Megha Kapoor Makeovers. So this is for all of you. किसी भी एक नाम को क्लिक कर देना, इसमें सारे शेयरर हैं जिन्होंने कल का पोस्ट, कोई बात नहीं, तो मेरे को उधर आना पड़ेगा, अपना हैंडल नहीं कर रहा, तीन चीजों का यूज कर रही हूं, बस इसको ऐसे कर दूं, विल डेफिनेटली कम, मैं छोड़ती हूं आगे आने का मौका ना। अच्छा ठीक है, सो बस स्क्रॉल करके एंड स्टॉप समवेयर वेयर एवर यू, किसी को नहीं जानती हूं ना, क्योंकि वो फेयर होगा, हम बहुत लोगों को जानते हैं। जस्ट स्क्रॉल इट वन मोर, फोर मोर, थ्री फोर मोर टाइम्स, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, सो यू विल गेट इट अ रिफ्रेश्ड वंस एज वेल, वेयर एवर यू वांट टू जस्ट स्टॉप इट। ओके, आई स्टॉप, सो शी स्टॉप्ड समवेयर, सो आई एम जस्ट गोइंग टू फोकस ऑन दैट नेम, होप यू ऑल विल क्लियरली सी, नो बंद हो गया वो, ओके, एनीवेज आई रिमेंबर द नेम, नो नो नो, जस्ट गो फॉर ओके, ऐसे करके एंड उस पर बस क्लिक कर दीजिएगा तो वो स्टॉप हो जाएगा। हाँ ओके, सो दिस इज द नेम दैट कम्स अप एंड हर नेम इज इप्सिता दास। इप्सिता दास, ओके, हाय इप्सिता, हूएवर इज इप्सिता दास एंड हु हैव शेयर्ड अवर वर्क, आई विल सेंड यू इन योर मैसेंजर, काइंडली सेंड योर एड्रेस एंड द कॉन्टैक्ट नंबर एंड योर पिन कोड for sending your giveaway. So this is the giveaway for Ipshita Das for sharing AK art and painting classes. ये ट्रे में हमने ये बनाए थे गौतम बुद्धा, ये हमें लोगों के बनाए हुए हैं, एक एक गणपति, भगवान करे आपकी जिंदगी बहुत अच्छी रहे, गणपति आपके लिए बहुत अच्छे हो, और ये हमारे ही हाथ के बने हुए दो कैंडल्स। राइट, ग्रेट, ठीक, नेक्स्ट आज वाले दिन है। ओके, टुडे आल्सो वी पोस्टेड दिस अगेन, सो दिस इज टुडेज पोस्ट, ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, मेगा वहीं पे फिर से
स्क्रॉल करके शेयर के ऑप्शन पे जाएंगे आप। तो फिर भी आप लोगों से रोज बात करते हैं, काफी लोगों के नाम जानते हैं, मेरे किसी को नहीं जानती है, अच्छी बात है। So people are not sure it yet. तो आज वाले में नहीं है तो कल वाले में लेकर देते हैं, नहीं तो मेघा वाले में से। राइट, ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइम का कोई वीडियो ये वाला शेयर नहीं किया है, अगर बाद में भी होगा तो हम देखेंगे। अगर हम सो अभी मैं लकी यहाँ से निकाल देती हूँ जिन्होंने हमारे फेसबुक पेज पे से लाइव वीडियो को शेयर किया है। सो आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग, जिसके नाम पे शेयरर लिखा होगा वी विल अनाउंस दैट नेम। हाँ अगर बिल्कुल मैं यहाँ पे शुरू, दिस इज द लाइव वीडियो गोइंग ऑन राइट। ये हमारे कमेंट सेक्शन भी आते हैं यहाँ पर, कमेंट्स। सो मेगा आप यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हैं और जिसके नाम के आगे शेयरर लिखा हुआ होगा, शेयर लिखा होगा कईयों पे होगा, जो भी एक नाम पे तुम रुकोगे तो वो हो जाएगा। पूनम सेठी, ओके ठीक है। सो ये मैं फोकस कर देती हूँ एक बारी। ओके पूनम सेठी, यू गॉट दैट अनदर शेयरर हैम्पर, दैट इज सेम एक पूनम आपके पास भी आ जाएगा। तो डियर अपना पूरा एड्रेस और जो भी है वो मानसी को भेजना है आपको इस नंबर पे। आपका कनेक्शन लॉस है, डन आ गया मेरे पास, रीस्टार्ट कर दो, टाइम हो गया। नहीं नहीं मे भी इंटरनेट लॉस हो गया होगा, इंटरनेट लॉस हो गया होगा, डोंट वरी उसको वापस कर लो, आई विल जॉइन यू अगेन। शेयर कर दीजिए एंड देन स्टार्ट योर अगेन। सो ओके फ्रेंड्स, शेयरर में हमारे दो नाम आए हैं, वन इज ईप्सिता दास जिन्होंने कल वाला पोस्ट शेयर किया था, एंड दूसरा नाम आया है पूनम सेठी का जिन्होंने हमारा आज का लाइव वीडियो ऑन लाइव अभी शेयर किया था। राइट राइट, अब करेंगे तब राइट। क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तुम स्क्रॉल करवा लेना मैं देख लूंगी। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमी पेंटिंग क्लासेस। आज हमारा फर्स्ट जॉइंट सेशन था इन एसोसिएशन विद मेघा कपूर मेकओवर्स, एंड इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस कि आप सबको बहुत अच्छा लगा। तो आज हमने कुछ इंटरेस्टिंग सी अपनी कैंडल्स बनाई हैं, जैसे कि यहाँ पर है, पर अभी पूरा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि इसमें से हम एक सरप्राइज पूछने वाले हैं, जो भी कोई इसका रिप्लाई करेगा दे विल गेट अ हैम्पर अगेन फॉर श्योर, क्योंकि आप लोगों का जो भी रिप्लाई आना है वो अभी तुरंत आ जाएगा, जिसका सबसे पहले रिप्लाई आ जाएगा उन्हीं को वो हैम्पर चला जाएगा। ओके आई हैव दिस, चलो ओके फाइन। सो पहला क्वेश्चन पूछते हैं हम, मेरा क्वेश्चन आसान पूछना, नहीं नहीं थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछेंगे, जैसे जल्दी जल्दी रिप्लाई कर देते, तो देखते कितने लोग हमें अच्छे से फॉलो कर रहे थे। सो जो सबसे पहली कैंडल बनाई थी राइट, सबसे पहली कैंडल में ये सेकंड लेयर किस चीज की है, जस्ट रिप्लाई फॉर दैट। सो जिसने भी वीडियोज अच्छे से देखा होगा दे मस्ट एबल टू रिप्लाई। मुझे बस इतना जानना है ये वाली जो हमारी लेयर्ड कैंडल है इसमें सेकंड लेयर किस चीज का है, जल्दी से लिख दो जिसका भी है फटाफट आ जाएगा। हां मैं सॉरी फोन से अभी आएगा, तो रिक्वेस्ट ऑन कर दीजिए। सो मैं वेट कर, तुम अपनी तरफ कर लो मानसी, किसका प्रिल ये भेजा है, डॉक्टर अपर्णा पांडे। ओके हाय, द फर्स्ट कमेंट मेरे को सबसे पहले मिला है फ्रॉम डॉक्टर अपर्णा पांडे, सो थैंक यू डॉक्टर अपर्णा। अभी आया तुम, ठीक है। सो एक बार हम इंस्टाग्राम पे भी ऑन कर लेते हैं ताकि जो वहाँ पे व्यूअर्स थे उनको लॉस ना हो जाए। इज इट स्टार्टेड लाइव, नहीं देखो हाँ वहाँ पे रिक्वेस्ट लिखा है मेरे नाम के आगे, लिखा है जो सेंडर रिक्वेस्ट। देखो बेटा जा रही है, ठीक है चलिए। तो जो फर्स्ट नाम था डॉक्टर, हाँ आ गया, इस पे भी आ गया तुम्हारे दिल आ गए राइट।
आई नो बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई किया है, बट सबसे पहला मेरा क्वेश्चन खत्म करते ही मेघा दिख रही है। हाँ, सही से बैक आपकी तरफ है ना, फेस इधर नीचे है, अब आप दिख रहे हो जहाँ स्माइली बना हुआ है ना स्टार वाला, उसके बराबर में दो ऐसे एरो हैं। अभी ठीक है, बस फाइन चलो। तो फ्रेंड्स आज आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, सबसे बड़ी बात है हम लोगों का भी ये नया एक वो था, लेकिन आप लोगों ने भी बहुत उत्साह करा। चलिए तो पहला निकला हमारा किसका, डॉक्टर अपर्णा पांडे। ओके, सो यू विल अपर्णा हैम्पर, और आपका हैम्पर भी हम शो करते हैं। सो डॉक्टर अपर्णा पांडे, काइंडली सेंड योर कंप्लीट एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर एंड पिन कोड ऑन द व्हाट्सएप नंबर 9810769 0766 to send your giveaway. आपको ये बताना है, हमने सेशन में बताया था कि अगर आपके पास ये रेडीमेड नहीं है, मार्केट से नहीं ले सकते आप, तो इसको आप घर पे कैसे क्रिएट कर सकते हैं अपने आप। बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया मैम ने, सो ये क्वेश्चन आप सबके लिए, मैं इधर भी चाहूँगी कि आप रिपीट कर दें। सो अगर आपके पास ये वाले बीड्स मार्केट से आपको नहीं मिल रहे हैं, हाउ कैन यू मेक दीज वैक्स बीड्स एट होम, जल्दी जल्दी बाद में बोला था वो छोटी वाली प्याली में था, भी क्रेयॉन्स नहीं है ये। शिवानी आप लोग सब ना क्रेयॉन पे नॉर्मल वैक्स एंड क्रेयॉन, राइट 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 भावना, राइट नॉर्मल वैक्स एंड क्रेयॉन कलर को मिक्स करके आप ये बना सकते हैं। मानसी भावना है, भावना आप भी बेटा अपना जो भी आपका एड्रेस है, नंबर है, मानसी के नंबर पे भेजना है 9811599076। भावना राजपूत ने बताया, हाँ भावना राजपूत। ओके, सो भावना राजपूत, काइंडली सेंड योर एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, राइट, सो दैट वी कैन सेंड योर गिव अवे, एंड दिस इज योर गिव अवे। So, Dr. Aparna Pandey and Bhavna Rajput, you will get this giveaway from AK Art and Painting Classes. And these are the giveaway for Ipshita Das and Poonam Sethi, right? Poonam Sethi, right? So, yes. These are four winners of our today's live session, and hope aap sabko maza aaya ho is session mein. Mega, tum bhi chaho to apne walon mein se kisi ko nikal lo, koi bhi question pooch ke, unko bhi ready hum karke denge, tum bhej dena. So, go ahead with any other question. This one? Okay. So, ये वाली भी चीज मैम ने बहुत क्लियरली एक्सप्लेन की थी। सो whoever इज ऑन माई इंस्टाग्राम पेज राइट नाउ, जो सबसे क्विकली जवाब देगा उसके लिए भी एक गिफ्ट हैम्पर है। हर्ष कम ऑन, जबरदस्त। नहीं नहीं हमें बिल्कुल, ओके भावना राजपूत, यस हर्ष, रंगोली, यू राइट, सो हाँ रंगोली कलर से, राइट रंगोली कलर है ना, सारे सारे रंगोली कलर्स हैं, एब्सोल्युटली। सो हर्ष सेंड योर फुल कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फुल एड्रेस, फोन नंबर, फुल नेम, राइट, एंड द व्हाट्सएप नंबर, सबसे पहले जिसका रिप्लाई आया है वी हैव टू सेलेक्ट दैट, सो वो है हर्ष, एंड वी गॉट द रिप्लाई फ्रॉम हर्ष। तो ये आप सबके गिव अवे रेडी है, और इसी तरह से कुछ कुछ नया और इंटरेस्टिंग लेकर आते रहेंगे। और आप जैसे देख रहे हैं एक आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस का, अभी बहुत सारी यूनिक आर्ट वर्क आने वाले हैं, बहुत सारे हमारे चल रहे हैं। सो विद टाइम अभी जो हमारी लेटेस्ट आर्ट वर्क हुई थी उसमें हमारा है शिवा ऑयल 3D में,
एंड नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होने वाला है गौतम बुद्धा. एक हमारा चल रहा है यूनिक 3D आर्ट एंड प्लस हमारी तंजोर आर्ट आ रही है जिसमें है शिव परिवार एंड गणपति. सो इन सब के लिए बुकिंग स्टार्टेड है, पीपल आर एनरोलिंग एंड आई होप आप में से भी जो कोई एनरोल करना चाहते हैं दे विल कॉन्टैक्ट अस ऑन 9582858532 और 9811599076 पे. सो हम इंस्टाग्राम पे भी आते हैं, हम फेसबुक पेज पे भी आते हैं एंड यूट्यूब पे भी आते हैं एंड आई होप आप सब जगह एंजॉय करते हो. सो ये हमारा एक लेटेस्ट जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी इस आर्ट वर्क में वो देख सकते हैं. हमने फाइनल वाला भी एक मार दिया यहाँ पर जो आप लोग को दिख रहा था कि हमने इसको 3 बोर्ड्स पे कर दिया था क्योंकि ये बाय मिस्टेक इस पे स्टिक हो गया था तो अब तो कुछ करना ही था हमें. सो वी हैव डन इट नाउ. आई होप आप सबको ये अच्छा लग रहा हो. एंड जो हमारा नेक्स्ट चल रहा है यूनिक 3D आर्ट, ये भी बहुत स्पेशल जा रहा है, बहुत ही डिटेल्ड वर्क जा रहा है एंड आई होप कि सब लोग इसको बहुत इंजॉय भी कर रहे हों. अभी इसका 3D आना है, सिर्फ कलर्स के संग क्या 3D है वो भी आप देख पा रहे होंगे इस पिक्चर के अंदर, बट जो मेन 3D आर्ट है वो अभी इस पे आने वाला है. कैसा लग रहा है मेरा? बहुत सुंदर एंड आई होप आप सब लोगों को ये अच्छा लगा हो और जो मेंबर्स हैं दे मस्ट बी एंजॉयिंग इट. सो इसी तरह से हमारी सारी क्लासेस चलती हैं लाइव सेशंस में. अच्छा रहता है कि आपके क्वेश्चन उसी टाइम रिजॉल्व होते हैं, जैसे आज जो कैंडल का लाइव चल रहा था कितना अच्छा एक्सपीरियंस एक आपको मिला, चीज़ें यहीं पर थी आप पूछ पा रहे थे देख पा रहे थे. सो बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच नेहा मेघा जी फॉर शेयरिंग योर प्लेटफॉर्म विद अस एंड वी होप कि ये जो एक हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ है ऐसे कंटिन्यू रहे और उसमें आप सब लोग भी हमारे साथ जुड़े रहे. आई एम श्योर हम कुछ और भी यू नो वी कैन प्लान समथिंग एल्स, कोई और वर्कशॉप भी प्लान कर सकते हैं. मेघा तुम भी वो बता रही थी ना शेयरर को, तुम वो कुछ अपना डिस्काउंट वाला वो करने वाला. अच्छा सो ऑल्सो आई वांटेड टू लेट यू नो जिन्होंने मेरा लास्ट मेकअप सेशन कमन गाइज अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज बहुत सारे दिल बहुत सारे राइट. सो इफ यू गाइज रिमेम्बर आई हैड मेंशन लास्ट मेकअप सेशन में कि आई हैव बीन कॉन्टेक्टेड बाय कलर बार एंड आई डू गेट अ स्पेशल डिस्काउंट कोड फ्रॉम देम एंड अगर कोई भी उनकी वेबसाइट से जाकर ऑर्डर प्लेस करेगा कलर बार का आई विल बी गेटिंग यू नो दैट पर्सन इधर आ जाते. लेकिन उसके लिए वी वॉन्ट टू गो हैड एंड यू नो कीप अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया. सो वॉट आई विल डू इज वी विल गो हैड एंड शेयर द डिटेल्स ऑन आवर स्टोरी कि आप कैसे वो डिस्काउंट कोड अवेल कर सकते हैं एंड द डिटेल्स विल ऑल्सो बी शेयर ऑन एके आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस के पेज पे. इंस्टाग्राम स्टोरीज होगा वो हमारा इंस्टाग्राम स्टोरी, सो काइंडली फॉलो दैट एंड आप में से जो भी लोग उसके पार्ट होना चाहते हैं कॉन्टेस्ट के दे नीड टू फॉलो AK Art and Painting classes on Instagram, Facebook and YouTube as well as need to follow Megha Kapoor Makeovers on Instagram, Facebook and YouTube. Yeah, right? So it's Megha Kapoor Makeovers with an S. Hi Gunjan. Great. Any question? So main ek baar bula leti hu Anita ma'am ko to sum up this today's live session and I hope you guys have a lot of fun. Right. चलिए तो कोशिश करेंगे अगर ये सेशन हमारा अच्छा लगा आप लोगों को तो पक्का यहाँ पे ये ब्यूटी और ये ब्रेन मिल रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा कुछ करेंगे. ब्यूटी विद क्रिएटिव ब्रेन्स हो रहा है. अपने सजेशंस हमारे को DM करके या कमेंट करके भी बता सकते हैं. क्योंकि जैसे पीछे मेघा के हमारे पेज पे हमने अपने शेयरर के लिए 2 बहुत प्यारे लाइव सेशन रखे थे, लोगों ने बहुत बहुत पसंद किए थे. इसी तरह आज हम मेघा के साथ उनके पेज पे आए थे तो जरूर कोशिश करेंगे कि आपके लिए हम अपना जो रेगुलर हमारी क्लासेस होती है उनके अलावा कुछ अलग करें. तो हम लोगों ने भी बहुत मजा किया, आई होप कि आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा. okay. और जो भी हमारे शेयरर हैं जिनका आज नहीं निकल पाया सो डोंट वरी, आप इसी तरह करते रहिए, क्या पता कुछ और सरप्राइज भी हो जो आपके. डेफिनेटली एंड सबका एक क्वेश्चन आ रहा है वो रिप्लाई कर देते हैं हम जल्दी से कि ये जितनी भी आज हमने कैंडल्स बनाई हैं इनमें हम कभी कोई एसेंस को भी यूज कर सकते हैं, किसी भी तरह की फ्रेग्रेंस को यूज कर सकते हैं? 100% देखो जब तुम लोग ये अपने वैक्स रेडी करोगे तब भी तुम अपना उसका अरोमा अलग आता है. ठीक है, अपने घर के परफ्यूम में डाल देना. राइट, बी केयरफुल. इट हैपेंस. राइट, ऐसा हुआ है. ठीक है, तो मैं इसलिए बोल रही हूँ इसके अलग आते हैं, प्लीज वो यूज कर लो.
राइट तो वो आप डालो, बहुत प्यारी खुशबू आती है। मैंने तो आज भी और भी बहुत कुछ तैयार करके रखा था लेकिन अब टाइम ज्यादा हो गया है। राइट तो फिर जल्दी जल्दी मिलेंगे, ये फर्स्ट क्लास है, इस तरह की आखिरी नहीं है। और अगर आप लोगों को देखो, हम कहते हैं हम अपना काम आपको दिखा सकते हैं कि हम आपको क्या करा सकते हैं। राइट आप लोग हमें बुलाने के लिए बार बार जो अगर हमें फोर्स कर सकते हो उसका एक ही तरीका होता है कि आप हमें अपना प्यार यहाँ के कमेंट से, यहाँ के शेयर से, लाइक से, यहाँ के लाइक और हार्ट से, तो हमें पता चलता है कि जितनी मेहनत आप सोच सकते हो अगर इतनी तैयारी करने की तो उसके लिए मानसी आज सुबह से लगी। हम आपको एक बार दिखाते हैं अपना पूरा, सो यू कैन हैव अ लुक। मैं इधर भी टर्न अराउंड करती हूं, ट्राई करके दिखाइयो। So these are the paintings we have recently completed. और ये आज हमारा पूरा कलेक्शन है फॉर कैंडल्स। तो आप लोग ये जब अपने बैग्स रेडी कर रहे हो, जब कलर डाल लिया आपने, तब आप उसमें अपने फ्रेग्रेंस भी यूज कर सकते हो, लेकिन कैंडल के अलग आते हैं अरोमास जितने भी है ना, आप जहाँ से कैंडल का बैग्स लेते हो या उसका कलर्स लेते हो तो वहाँ आपको मिल जाएगा। राइट नहीं तो अमेज़न इज द बेस्ट टू गेट एवरीथिंग। ओके हम चलते चलते एक बारी हेलो कर लेते हैं अनीता बैनर्जी, कोमल खन्ना, थैंक यू आंटी, मोस्ट वेलकम, होप यू विल इंजॉय। यस डॉक्टर अपर्णा पांडे, आप मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं ऑन 9582, तो यू आर डेफिनेटली सेलेक्टेड। तो प्लीज़ वहीं पे आप अपना कंप्लीट एड्रेस, फ़ोन नंबर एंड मेरे को पिन कोड ज़रूर सेंड करिएगा। तो हमने अपना प्रॉमिस किया था, मेघा आई थी मई या जून में, हमारे स्टार्ट में आई थी, फिर राइट फिर फादर्स डे पे आए थे। इसी तरह आज हमने प्रॉमिस किया था मेघा को कि आज हम आएंगे, तो मन किया उनके सबके साथ मिल रहे तो अपने भी क्यों नहीं। राइट इसी तरह अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठाएँ और नए नए लोग हमारे साथ जुड़े और हम आपके शेयर और कमेंट्स और लाइक और हार्ट्स देके फिर से जल्दी से कुछ अच्छा सा प्लान करें। और आप मेरे को भी बोलने दो कुछ। यस दिस इज योर टाइम नाउ। मैंने तो इधर से चुप हो या उधर से चुप हो तो मैं बोलूंगी, तो मैं बोलूंगी। अच्छा तो गाइस आई जस्ट आल्सो वांटेड टू लेट यू नो, वैसे तो उन्होंने ऑलरेडी सब कुछ कवर कर दिया है बट फिर भी आई वांट टू लेट यू नो कि जितनी भी यू नो आर्ट फॉर्म्स आप इमेजिन भी नहीं कर सकते उतनी क्रिएटिव है अनीता मैम। ड्यू टू द करंट सिचुएशन ऑब्वियसली पर्सनल क्लासेस घर पे बुला के नहीं हो सकती हैं, बट इवन इफ यू वॉन्ट गो हेड एंड एनरोल फॉर ऑनलाइन क्लासेस, आप इस चीज के लिए रेस्ट अश्योर्ड हो सकते हैं कि आपको उतनी ही गाइडेंस मिलेगी जितनी आपको पर्सनल लेवल पे मिलती। सो फॉर यू नो ऑल ऑफ देयर अपकमिंग ऑनलाइन क्लासेस, कौन सी पेंटिंग सिखा रहे हैं, प्लीज गेट इन टच विद मानसी ऑन द नंबर दैट शी हैज मेंशन्ड, 9582 8582 3232, that is Anita's mam number. Okay, so that is the number that you guys can get in contact and find out different upcoming paintings. एंड मैं जिन लोगों ने हमारे लास्ट दोनों ब्यूटी सेशंस अटेंड करे थे, मैं ज़रूर चाहूँगी वो लोग अपना जो भी उनका एक्सपीरियंस रहा था वो यहाँ लाइव वीडियो में ज़रूर शेयर करें, सो दैट पीपल वुड नो हाउ ब्यूटीफुली मेगा हेल्प्स इन गेटिंग योर ब्यूटी। एंड शी विल शेयर हर कॉन्टैक्ट नंबर, हर सोशल मीडिया लिंक्स है, सो आप लोग वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। हेलो ग्रीष्मा, राइट, सो प्लीज अगर आपका कभी भी ऑनलाइन क्लासेस फॉर मेकअप, शी इज ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू आउट, प्लस यू कैन एंड यू कैन चेक हर ऑन यूट्यूब चैनल एज वेल फॉर हर फ्री लाइव ट्यूटोरियल्स एंड देट वुड बी अ बेस्ट थिंग आज के टाइम में, क्योंकि वैसे ही घर पर और कुछ नहीं है तो थोड़ा सज धज के वैसे ही बैठ जाते हैं, वरना तो ऐसे घूमते रहते हैं। तो सो वी कैन से गुड बाय टू एवरी वन नाउ। कुछ नया और जैसे कि मानसी कहती है कि जो भी हमारे तीनों सोशल मीडिया में है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड फेसबुक पेज, तीनों एक ही नाम से, एक आर्ट एंड पेंटिंग क्लासेस,
अगर आपको कभी भी व्हाट्सअप करना है तो प्लीज जरूर कीजिएगा सिर्फ मानसी के नंबर पे, पीछे नंबर है 9811599076, क्योंकि आप लोग मेरे पे कर रहे हो, मैं उसको ओपन नहीं कर पा रही हूँ, आपको रिप्लाई नहीं कर पा रही, तो प्लीज उस पर मैसेज मत किया कीजिए, कॉल भी आप इसी नंबर पे कीजिए, ताकि आप जब मेरे पे करते हैं और लाइव क्लास होती है तो आपका कॉल डिस्कनेक्ट करना पड़ जाता है हमें, राइट। और मेघा को भी आप तीनों चीजों पे ऐसे ही ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ उसकी भी बहुत प्यारे प्यारे से, और जो कैंडल मैंने आज दिखाई है उसके अलावा भी बहुत सारे कैंडल है जो हमारे यूट्यूब पे है, फेसबुक पेज पे, और उसी तरह इस तरह की बहुत सारी पेंटिंग्स हैं जो हम फ्री ट्यूटोरियल अपने डालते रहते हैं, अगर आपको उन सबको एंजॉय करना है तो आप उन्हें एंजॉय कर सकते हैं और देख सकते। एंड बाय द वे डोंट फॉरगेट कि चारों कैंडल्स जो बने हैं वो मैं लेके जा रही हूं, राइट, फॉर श्योर। एंड आज फ्रेंड्स मेकअप सेशन नहीं है बिकॉज ऑलरेडी बहुत एक्सटेंडेड है, उसके लिए भी आपके पास कंडीशंस और वो आते हैं, तो आप उसको फॉलो करिए, तो जब भी नेक्स्ट होगा यू विल डेफिनेटली गेट टू नो, राइट। सामने से दिखा एक बार आ जाओ, सब लोग बोल रहे हैं एक साथ बाय कर दो, डेफिनेटली तो ले जाओ।